So today I am in ME small Gurgaon and you can see there is no rush. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से स्टोर्स ओपन हैं और क्या सर्विसेज हैं और चेकिंग प्रोसीजर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ मैं अपनी पूरी सेफ्टी के साथ आई हूँ. और दूसरी बात, ये वीडियो कोई प्रमोट नहीं कर रही कि आपको बाहर जाना ही जाना है. ये आपके ऊपर है, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है या कुछ है तो आप आ सकते हो. और या सो आगे मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है. वैसे देख सकते हो ये वन ऑफ दी बिगेस्ट मॉल है इन दिल्ली, बट यू कैन सी दैट यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है. यूजुअल डेज में यहाँ पे कितना ज़्यादा रश होता है कि वी डोंट गेट प्लेस टू सिट. तो आप देख सकते हो इट्स ऑल ब्लैंक. एंड नाउ आई विल क्विकली गो अहेड एंड चेक यू दी स्टोर्स. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एनी न्यू स्टॉक इज़ देयर. तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, बट आप पूरा ध्यान से सेफ्टी के साथ, सैनिटाइजर्स, मास्क, एवरीथिंग. यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है सिक्योरिटी का, काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है यहाँ पे सिक्योरिटी का. रिलेटेड टू आपको आरोग्य सेतु ऐप होना ही होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास सैनिटाइजर, मास्क ज़रूर होना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप मास्क लगा के नहीं आओगे तो ये आपको एंटर भी नहीं करने देंगे. सो मेक श्योर आप अपनी पूरी सेफ्टी अपने साथ रखो. और यहाँ पर आपकी अलग से चेकिंग होगी, आपके बैग को सैनिटाइज किया जाएगा. तो पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे एंट्री में सब कुछ अवेलेबल है. सो डोंट वरी एंड या स्टे ट्यून्ड. आई विल बी पोस्टिंग मोर शूट्स इन द सेम वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. ओके, फर्स्ट फ्लोर. एंड अभी मैं H&M से शॉपिंग करके निकली हूँ बाहर और अब मैं कुछ फूड कोर्ट की तरफ जाने का सोच रही हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री. लेट्स सी वहाँ से क्या टेक अवे हो सकता है, बिकॉज आई विल बी ईटिंग इन माई कार देन. एंड आई विल शो यू सम ऑफ मोर स्टोर्स. जैसे ये रितु कुमार लेबल, इट इज़ ओपन एंड मोस्ट ऑफ द स्टोर्स आर ओपन, बट देर इज़ नो यू नो नो पर्सन इन द स्टोर. आई कैन सी ओनली जस्ट फ्यू, मे बी देयर स्टाफ. तो ऐसे ही लाइक काफ़ी सारे चीज़ों में ऑफ तो चल रहा है यार, बट द प्रॉब्लम इज लाइक क्राउड ही नहीं है. और उस चक्कर में कुछ स्टोर्स पे ऑफ तो लगा रखा है इन्होंने, लेकिन बस मॉल में एक ही है, क्राउड नहीं है. एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है और बुरा भी. बुरा इसलिए बिकॉज COVID-19 की सिचुएशन किसी को पसंद नहीं है, आई नो दैट, इवन मेरे को भी नहीं है. और अगर मैं बात करूँ कुछ अच्छा कि जिससे लाइक लोग नहीं है, वाई दिस इज़ गुड, बिकॉज लोग नहीं होंगे तो ज़्यादा आपको यू नो इन्फेक्शंस के चांसेस कम हैं. और दूसरी बात, आप सेफली घूम सकते हो, कुछ ऐसा मेजर चैलेंज नहीं आएगा घूमने में. बट मेक श्योर गेट योर मास्क ऑन योर माउथ एवरी टाइम एंड योर सैनिटाइजर्स ऑल्सो. तो अभी हम थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ देखने के लिए. वी हैव टू विजिट फ्यू मोर स्टोर्स. उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे. वैसे कुछ चलने लायक तो लग नहीं रहा मुझे. इट जस्ट दैट लोग वेट कर रहे होंगे कि दिल्ली के मॉल्स का क्या हाल है या गुड़गांव के मॉल्स का क्या हाल है. तो ये एक ग्लिम्स का वीडियो है छोटा सा, जो आपको हेल्प करेगा कि आने का यहाँ पे सही रहेगा या नहीं. तो दीज आर द मेजर थिंग्स. आप देख सकते हो ऑल फ्लोर्स आर ब्लैंक. Right guys, stay tuned. कुछ और शूट पोस्ट करूँगी इसी वीडियो में. ओके, टाटा. यहाँ पर आप देख सकते हो रेड मैंगो और काफ़ी सारे अदर आउटलेट्स हैं खाने के. ये कोस्टा कॉफ़ी है एंड योर यू कैन सी दिस देन द ढाबा. दिस इज़ द ढाबा इन द ब्लू वन. एंड मामा पेताओ, Taco Bell. Have you ever seen the situation of the restaurants like this? I don't think so. And guys, you remember yahan par ek activity bachchon ke liye hoti thi aur jhule wagaira lage hote the. Dekh rahe ho na yaar, bilkul khali pada hua hai. So abhi main aur videos ke sath aaungi isi पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. गाइज, ये किड सेक्शन है. इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे कितना ज़्यादा चहल पहल होती थी बच्चों की और उनके पेरेंट्स साथ में. देख सकते हो सब कुछ बंद पड़ा है यार यहाँ के. मुझे बहुत सैड फील हो रहा है कि यार क्यों हुआ ये कोरोना.
जिसने हम सबकी लाइफ में एक पॉज लगा दिया है. बट डोंट गेट दी मोटिवेटेड. यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम अपनी फैमिलीज को कितना टाइम दे सकते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को समझ सकते हैं. तो गाइज, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए एंड आप इस टाइम में काफ़ी कुछ सीख सकते हो यार. न्यू आइडियाज़ के साथ आ सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. अब यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट तो देख सकते हो आप बंद हैं, कुछ भी ओपन नहीं है. एंड तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए टू गेट समथिंग. तो प्रॉबली आई एम थिंकिंग टू गो टू मैकडी बिकॉज आई कैन सी दैट इज़ ओपन एंड दैट टू हैव अ वेरी इन अ गुड कंडीशन. आई कैन सी फ्यू पीपल. सो बट मेजरली जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे वो बंद हैं और एक आध जो हैं वो भी ब्रांडेड, दे आर ओपन विद गुड ब्रांड्स दे हैव. लेट्स गो टू मैकडी एंड सी व्हाट दे आर डूइंग. ओके, जस्ट इट यू इन मैकडी राइट नाउ एंड वो लोग काफ़ी कैशलेस वाला सिस्टम कर रखा है उन्होंने, तो कैश तो नहीं ले रहे हैं, कार्ड भी कम कम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम द ऑनलाइन सेक्शन दे हैव, दे हैव गाइडेड अस. ऑल्सो यू कैन सी लाइक इन जस्ट वन टेबल देर आर ओनली टू पीपल अलाउड, मे बी वन. तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक टेबल के बाद एक टेबल उन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखी है जस्ट टू मेनटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. एंड आई गेस विच इज़ गुड अ कॉन्सेप्ट फॉर पीपल, क्योंकि पहले तो इतना रश होता था कि एक के ऊपर एक टेबल ऐसे जाते थे कि कुछ कहने का नहीं. अभी हम लोग अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे एंड देन उसके बाद वी एक्चुअली फीलिंग डैम हंग्री एंड वी विल बी हैविंग अवर मील देन वी विल बी मूविंग आउट. सो स्टे ट्यून्ड. गाइस, अभी हमने मैकडी में अपनी भूख को ख़त्म किया है और अभी हम लोग दूसरे फ्लोर पर आ रखे हैं. तो आप देख सकते हो बरिस्ता ओपन है यहाँ पे, बिल्कुल रश नहीं है. रिलायंस डिजिटल योर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आर ओपन एंड फॉर द लाइक फॉर योर शॉपिंग एंड सम टॉय फैक्ट्रीज एंड लाइक यू नो वेयर वी गेट थिंग्स फॉर बेबीज, वो सारी चीज़ें ओपन हैं यहाँ पे. तो आप देख सकते हो चीज़ें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, बट क्या बोलूँ मैं, आई एम स्पीचलेस फॉर अ वाइल. आप सब जानते ही हो कोविड की सिचुएशन कितनी ज़्यादा वैसी है, बहुत नेगेटिविटी सी आती है, बट स्टिल डू मेडिटेट एंड मेडिटेट करो एंड थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखो. सब लोग, मेरी एडवाइस यही रहेगी, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में घर में ध्यान दो, पेरेंट्स के साथ रहो. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर फंस गए हैं जैसे मैं, तो मैं भी अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ, अच्छी चीज़ों में स्पेंड करती हूँ, घर वालों से बात करती रहती हूँ. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो अगर कोई मेरी जैसी सिचुएशन में है. तो गाइस, ये रहा एमियन स्मॉल का एक छोटा सा ग्लिम्स वीडियो और आगे अभी हम लोग जाएंगे एक और शोरूम में लाइक ज़ारा एंड सम डिजिटल स्टोर्स. ओके, सी यू देन. जैसा मैंने आपको पहले बताया था अबाउट रेस्टोरेंट्स एंड अबाउट फ्यू स्टोर्स, अब हम लोग हम लोगों ने काफ़ी देर शॉपिंग की मल्टीपल स्टोर्स में, तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं. एंड अभी भी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सुबह से आने के बाद जो भी जिस भी टाइम पर हम आए थे तब से लेकर अब तक आप देख सकते हो क्राउड नहीं बढ़ा है, लोग आए हैं. और रेस्टोरेंट में अगर मैं आपको ऑप्शंस बताऊँ यहाँ पर, तो सिर्फ मैकडी ही मुझे ठीक लगा एज़ पर द सेफ्टी प्रोसेस. कैशलेस, कोई चांस ही नहीं बनता कुछ भी टच करने का, और क्राउड नहीं है तो जाहिर सी बात है इट इज़ सेफ टू ईट दैट. एंड आई हैव बीन टू रिलायंस ट्रेंड्स, H&M, यू फॉर एवर 21, ज़ारा. सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू माई होम. होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. एनी गेसेस कि नेक्स्ट वीडियो क्या आ सकती है, आप मुझे कमेंट में करके बताना. और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे आप तक पहुँचाने की. ओके गाइज, सो फाइनली हम एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से.
and this is a beautiful doll. Let me show you from the front. So here it is. And guys, यहाँ पे safety काफी है, so डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कोई भी. ठीक है guys, मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना सब, और स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली. थोड़े क्रिएटिव बनो यार, बोर मत हो. और किस दिन लाइव सेशन में भी आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं बेटर चीज़ें. तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, किसी ब्रांड के बारे में जानना है या फिर कुछ भी, डू लेट मी नो. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. ओके गाइज, सी यू देन, बाय बाय. सो गाइज, हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो. टेक केयर.